नमस्कार, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सुप्रभात। सभी लोगों को 330 पदों पर विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसके बाद फिजिकल 1 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं सभी ज़िलों में, और वन बाय वन सभी ज़िलों में डेट शीट जारी हो रही है और रोल नंबर वाइज समय सारणी बताई जा रही है और किस स्थल पर आपकी भर्ती कराई जाएगी पूरी जानकारी बताई जा रही है। इसी क्रम में एक डिस्ट्रिक्ट में 2800 से भी अधिक हैं उनको फिजिकल के लिए यहाँ पर रोल नंबर आउट कर दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप इस जिले से संबंधित हैं तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 12 से स्टार्ट होंगे और 12 से जो ये स्टार्ट होंगे इसमें एक दिन में 250 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, 250, और उसके बाद 13 टोटल मिला के आप मान के चलिए कि इसमें 500 हो जाएंगे, उसके बाद 750, उसके बाद 751 से लेकर 1000, 15 की डेट में, 18 की डेट में, 1001 से 1250 की जो अनुक्रमांक है, प्रातः 7 बजे तक पहुंचना है आपको वहां पे। ठीक है, आपका ये जो फिजिकल रहने वाला है 22 सितंबर तक रहने वाला है। टोटल कैंडिडेट्स हैं इसमें 2430 अभ्यर्थी हैं। ठीक है, 2430 अभ्यर्थी हैं। तो इसे आप यदि PDF फॉर्मेट, ये है आपका बागेश्वर का, आप देखते हैं 32 पोस्ट है बागेश्वर में। ठीक है, यहाँ पर सबसे कम पोस्ट आए हैं और 3 सितंबर से स्टार्ट हुए थे फॉर्म और 23 अगस्त तक चले थे। उक्त भर्ती में आवेदन करने वाले महिला अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि वह अपने अनुक्रमांक के आधार पर निम्नानुसार शारीरिक मापदंड, दक्षता परीक्षा में आवश्यक मूल दस्तावेज सहित पुलिस लाइन बागेश्वर में उपस्थित होना सुनिश्चित करना है। पुलिस लाइन बागेश्वर में आपका यहाँ फिजिकल होना है। सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त तिथियों में वर्षा आदि के व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो उसके स्थान पर तिथि आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जब भी कोई सी प्रकार की मतलब वर्षा वगैरह होती है तो तिथि में स्थान चेंज किया जाएगा। डाक से प्राप्त अभ्यर्थियों के आवेदन पर अनुक्रमांक आवंटन व निस्तांतरित की सूची जिला होमगार्ड्स कार्यालय बागेश्वर के सूचना पट व या फिर फेसबुक पेज होमगार्ड्स बागेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आप रोल नंबर वगैरह कहाँ से करेंगे, होमगार्ड्स बागेश्वर जो फेसबुक पेज है इनका, वहाँ से आप कर सकते हैं। अभ्यर्थी के साथ रास्ते में व भर्ती के दौरान की कोई भी शारीरिक दुर्घटना, चोरी या अन्य कोई भी घटना होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं रहेगा। कोई भी अभ्यर्थी बैग, कैमरा या फिर मोबाइल, खाद्य पदार्थ भर्ती मैदान के अंदर नहीं लाएगा। वजन मापने हेतु ट्राउजर व टी शर्ट ही प्रयोग में लाया जाएगा या फिर लाना है आपको। भर्ती स्थल पर भर्ती में नामित कार्मिक के अतिरिक्त किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सगा संबंधी मीडिया कर्मी या फिर पत्रकार बिना अनुमति मैदान में अंदर प्रवेश नहीं करेगा। तो ये है, और यदि आपको ये PDF फॉर्मेट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं या फिर आप होमगार्ड्स बागेश्वर के फेसबुक पेज पर जा सकते हैं, वहाँ से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। आप जानते हैं कितना कंपटीशन रहेगा बागेश्वर में। दोस्तों यदि हम बागेश्वर में कंपटीशन की बात करते हैं तो टोटल कैंडिडेट्स हैं इसमें 2430, अपॉन करेंगे 32 कुल पोस्ट है यहाँ पर, ये डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 7.93, यानी कि एक पोस्ट प्राप्त करने के लिए 75 से भी मतलब 76 लोग मान के चलिए आप, 93 मतलब 76 या फिर 75 लोग एक पोस्ट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर मेहनत करेंगे। तो आप जरूर इसके लिए यदि आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आप जरूर भर्ती स्थल पर पहुँचाएं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको सारे ले जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि आपने आवेदन फॉर्म संलग्न किया था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट संलग्न करे थे वो सारे ले जाने हैं। जैसे कि मैं बता दूँ आपको, जैसे कि आपके पास हल्का वाहन का लाइसेंस होगा या फिर भारी वाहन का लाइसेंस होगा वो ले जाने हैं। NCC सर्टिफिकेट है तो आपको NCC सर्टिफिकेट ले जाना है, या फिर NSS सर्टिफिकेट है, या फिर स्काउट सर्टिफिकेट है, या फिर महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय का खेल कूद से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र है वो ले जाए, जिससे कि भी आपको अंक दिए जाएंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो डॉक्यूमेंट आप ले जाओगे, क्योंकि इनसे आपको 5-5 अंक दिए जाएंगे और जिससे कि आपका सिलेक्शन फाइनली हो जाएगा। और आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो फिजिकल होता है आपका, वो आपका फिजिकल जो होगा वो 30 अंक का होगा। 30 अंक में आप कोशिश करें कि आप इसको मतलब पूरे से पूरे के पूरे अंक यहाँ पर अचीव करें। यदि आपने ग्रेजुएशन करें तो ग्रेजुएशन के सारे आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, क्योंकि ग्रेजुएशन यदि आपने किया तो आपको 10 अंक दे जाएंगे। यदि आप 12वीं पास है तो 9 अंक मिल जाएंगे, यदि 10वीं पास है तो आपको 8 अंक मिलेंगे। ये आपको ध्यान देना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।